तो जब तुम इन दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे तो बनेगा। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट। ये लो, चले मूतने साहब, ब्रेक में नहीं जाते बनता क्या? वो सर ब्रेक में अजीब सी चीजें होती है टॉयलेट में। ये क्या, ये बैटल तो बड़ी खतरनाक लग रही है। चड्डा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चड्डा एक रॉक टाइप पोकेमॉन जिसका बाप ऑटो चलाता है और ये भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है। पागल सा कहीं का। ये चड्डा को कैसे हराएगा? हाँ, अब इसको क्या होगा? पापे, मैं तुझे चुनता हूँ। पापे एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमोन जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्सी मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पापे एटॉमिक गैस ठुस्सी। चड्डा क्या करूँ? मुझे नहीं पता भाई, मेरे तो बीवी बच्चे। टीनेजर्स। नहीं, ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। ये तो बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ब्रेक में बॉयज टॉयलेट में कैसी हरकतें होती है, और ये भी बस उसका 1% था। गर्ल्स टॉयलेट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। या मुझे पता है, नहीं मुझे नहीं पता, या मुझे। मीनवाइल इन गर्ल्स टॉयलेट। ये कहानी है गर्ल्स टॉयलेट के पीछे की। जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स टॉयलेट, जहाँ लड़कियाँ सुपर हीरो बन के थरकी भुट्टो को बचाती है। यहाँ पर खुशियाँ और अमन से रहे लोग। क्या? अरे भाई फिर तुम ही बताओ, लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है बाथरूम में? छोड़ो यार, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टीनेज, जब बच्चा अपने आप पर ध्यान देना शुरू करता है, वो कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे हैं, वो क्या पहनता है, और जब उसे पता चलता है कि उसका तो सब कुछ ही बर्बाद हो रखा है। मुझे याद है 8th-9th में मैं अपने पूरे बाल खड़े करके स्कूल जाता था, बिल्कुल टेक्टन 7 की ये जिन कैरेक्टर की तरह। तेल पानी लगा के स्कूल निकल जाता था, स्कूल पहुंचते बालों का ऐसा रबड़ी नूडल बन जाता था। खैर ये फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रोनाल्डो है, मैं रोलेंडो लगता था। स्कूल यूनिफॉर्म भी ना मेरी माँ ने मेरे को बचपन से बड़ी ही पहनाई है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 नंबर बड़ी, सीधे 4 या 5 नंबर बड़ी। स्कूल में जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे ना, वो मेरे अंदर आके ही छुपते थे, इतने बड़े कपड़े। छुपे रे भाई, बहुत जगह है यहाँ पे तो। अरे तुम दोनों। आप कौन हो? अरे मैं पापे हूँ। पापे, तू तो 4 दिन से लापता है ना, हमने बाहर तेरे पोस्टर्स देखे। 4 दिन? मुझे तो यहाँ पे 40 साल बीत चुके हैं। देखो इसकी यूनिफॉर्म के अंदर टाइम बहुत तेज चलता है। बाहर भले 4 दिन ही हुए होंगे, लेकिन यहाँ मैंने 40 साल जी लिए हैं। मैं जब अंदर आया था मैं भी तुम्हारे बराबर का ही था। माँ को देखे आज 40 साल हो चुके हैं। पापे 4 दिन से गायब है मेरा बच्चा, कुछ खाया हुआ कि नहीं? अब जैसे जैसे तुम टीनेज में आ रहे होते हो, तुम्हें तुम्हारे बालों पर कपड़ों पर शर्म आने लगती है। मुझे याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था, जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं। रुको, चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं मानूंगा। चुपचाप। मैंने तो बोले। अरे बाप रे, अब तो लाइट चली जाएगी, मुझे अपना फोन चार्ज पे लगा लेना चाहिए। टीनेज में ना तुम्हें तुम्हारी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तुम अभी भी रात में छुप के सूखा बॉर्नविटा खाने वाले बंकू हो। बॉर्नविटा सूखा तो बिल्कुल ना खाने दे बच्चों को। भाई मेरी इमेज की तो ना पहले से धज्जियां उड़ रखी थी मेरी मम्मी की वजह से। मैं ना स्कूल बस से जाता था, और डेली जैसी मैं बस में चढ़ने वाला होता था, उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था, क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गरम दूध 10 सेकंड में गटकना है, क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गरम दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। वैसे ये मेरी फोटो लीक कौन कर रहा है बे? टीनेज में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम अपना फोन कहीं छोड़ के जाओगे ये पक्का चेक करेंगे, और अगर तुम बोल के जाओगे मेरे फोन पे किसी का भी फोन आए तो उठाना मत, फिर तो पक्का उठाएंगे। और चलो फोन उठा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात भी तो करो सामने वाले से। फोन उठा के चुपचाप खड़ जाएंगे, इनको पता लगाना होता है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि इनको लगता है कि तुम्हें बस लड़कियां ही फोन करेगी। हेलो, ये कौन लड़की फोन कर रही है तेरे को? अरे मम्मी आकाश है, ध्यान से सुनो। तो इसकी आवाज लड़की जैसी क्यों आ रही है? क्योंकि दिमाग में लड़की घुसा के रखी है आपने, और लड़की बोल के उसकी अलग बेइज्जती मार रहे हो। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं,
बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी एक बार फिर से बोलो ना, प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगार्डियम लेवियोसा। सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ, 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया, काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 बेबी। सब छोड़ के चले जाते हैं। और इसी तरह आकाश बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर। ये ऐसे क्यों हंस रहा है? मुझे क्या पता, शायद जो नशे अभी हम करने वाले उसने पहले ही कर लिए होंगे। तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है फिर? नहीं है, बोला तो सही। ठीक है जा। वैसे एक सेकंड, नशे के बारे में क्या बोला तू? अगर तुम अपने फोन की तरफ देख के इतना सा भी मुस्कुरा दोगे ना, तो इन्हें लगेगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। और चलो मान भी लेते अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मैं मुस्कुराऊंगा क्यों? अरे भाई वो गर्लफ्रेंड है मेरी, जोकर थोड़ी ना। अरे अरे नहीं नहीं। ओए सुरेश, क्या तुम्हें ये नाव वापस चाहिए? अंदर आओ। ओए रंदे, नाली वाली नाव है वैसे भी, तू ही रख ले। और तेरे को शायद कहीं देखा है मैंने। ओए तू तो शालिनी जैसी दिख रही है। ओए शालिनी है ना तू? अरे नहीं, तू फिर से इतना सारा मेकअप करके नली में बैठ गई पागल लड़की। नहीं क्या नहीं, अंदर छींची होती है पता भी है? नगर पालिका वालों को बुला के लाना पड़ेगा, निकालेंगे तुझे यहाँ से। पता नहीं कहाँ की इट पिक्चर देख ली जोकर वाली, नली में बैठ जाती है बार बार जाके। साफ बिच्छू ने काट खाया तो पता नहीं कैसी गर्लफ्रेंड है। तुम अपने फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। और जब तुम्हारा फोन माँ बाप के हाथ में जाता है ना, तो भाई ऐसी फटी में आती है ना जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता किसी काम से, और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा। तो अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ही ये मेरा फोन लेके भागेगा मैं भी इसके पीछे भागूंगा। अरे ये नेटवर्क, अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हो गया। थैंक यू। अरे अरे मेरा फोन। वो तो मेरा ही आदमी था। हेलो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफी नई चीजें डाली थी इस वीडियो में, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक मारो, ठीक है? मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, चलो जल्दी से लाइक मारो। एंड आई नो, ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई है, मुझे पता है। देखो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मेरी बात सुनो, इधर आओ, अपना कान लेके आओ इधर, ट्रस्ट करो मुझ पे। आने वाले टाइम में मैं तुम्हें ऐसा कॉन्टेंट ला के दूंगा, तुमने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ बन सकता है क्या। तो हाँ, चिपके रहो मुझसे तब तक, ठीक है? कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो फिर बोलते हो कि अरे रिप्लाई कैसे कर दिया। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उस पर कंटेंट डालने वाला हूँ काफी कुछ। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।